सूर्य देव शिक्षक एवं सम्मान विकास समिति द्वारा 3 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के शिक्षित एवं आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम के 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन होटल डीजल निकट जग्गी नर्सिंग होम वैभव नगर में हुआ। अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई उड़ान मदद हमारी मंजिल आपकी योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और समाज के सुधार और कल्याण के लिए जागरूकता कार्यक्रम हुआ, जिसके माध्यम से बताया गया कि शिक्षित महिलाएं अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षित सशक्तिकरण हेतु छात्रवृत्ति योजना तथा उसके बाद बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके बारे में मुस्लिम परिवारों में रहने वाली महिलाएं और मुस्लिम परिवार अपने बच्चे और बच्चियों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा दिलवा सकते हैं। इसी पर काफी चर्चा हुई और विस्तार से समझाया गया। मैं मोहम्मद जलसिंह प्रकाश करवा के उस भेंट का स्वागत है। ये बात कहने को तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हम अगर आज की तारीख में किसी भी बात को, किसी भी प्रोग्राम को और किसी भी मसले को अगर संगीदी के साथ लें तो हमारे और जिंदगी में कामयाबी हासिल हो सकती है। अभी इस प्रोग्राम से शुरू होने से पहले जब मैं आया था, इस प्रोजेक्ट के जरिए बहुत से प्रोग्राम बेटा भाई का बेटा दिखा रहा था। ईमानदारी की बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में आप क्या कहना है सेमिनार के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जो है यहाँ के जिला रोजगार स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुस्लिमों के लिए इतना कुछ सोचा, मुझे बहुत अच्छा। मेरा नाम है आफरीन अहमद। इस सेमिनार में आए, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे सब लोग इतना साथ दे रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं सब पढ़ें लिखें और आप अच्छे आगे एजुकेशन प्राप्त करें, सब कुछ सीखें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मैं और भी अपनी जो रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको बताना चाहूँगी यहाँ आए और कुछ सीखें कि एजुकेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंस है। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत खुशी। मुस्लिम समाज के महिलाएँ ज़्यादातर अपनी बच्चियों के घर से शिक्षा के लिए नहीं भेजती, इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे पहला तो मैं सोचती हूँ कि पैसे, मतलब जो आर्थिक प्रॉब्लम है वो चीज़ से कुछ लोग हैं ना, वो पीछे हट जाते हैं। क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस में लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर जब आगे हाई स्कूल या इंटर करते हैं वो नहीं पढ़ा पाते हैं, इसमें उनकी आर्थिक प्रॉब्लम है वो सामने आ जाती है। उस समय अपने भारत के अंदर आगरा में प्रथम महिला मुस्लिम महिला जो DM बनी हैं, वो अपने आप की समाज से हैं, क्या उनके बारे में क्या कहना? क्या नाम आपका जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेताल सिंह है। मैं सूर्योदय शिक्षा एवं समाज विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। किस चीज़ का सेमिनार रखा गया? ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस सेमिनार का विषय था मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये 2 दिवसीय सेमिनार था। कल इसका प्रथम दिन था और आज द्वितीय दिन और अंतिम दिन। मुस्लिम समाज अक्सर ये अपने मजहब से कहता है कि ज़्यादातर शिक्षित महिलाएं नहीं जाती हैं और बच्चों से नहीं भेजा जाता, इसका क्या कहना है? नहीं, अब उसमें चूँकि मैं तो 2 दिन से देख रहा हूँ, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्से लिया है और ये साबित किया है। और आज आपने भी देखा होगा कि बहुसंख्या में महिलाएँ उपस्थित हैं और स्वयं इच्छा से आई हुई हैं। इनको कल जो आई थी पार्टिसिपेंट, उन्होंने मोटिवेट किया कि अच्छी सेमिनार है, तो ये खुद आई हैं। और आपने देखा होगा कुछ महिलाओं को हमें वापस भी करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हमारी एक सीमित संख्या में ही हम लोग पार्टिसिपेंट करने दे सकते हैं,